सेकंड वेलकम टू एग्जाम स्टडी। मैं शुभम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर। तो मैं आपको बताने वाला हूं DRDO जो है हमारा DRDO सेप्टेम्बर 09 इसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन हमारे पास आई थी और कल से यानी कि 21 सितंबर से हमारा जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको आज बताऊंगा कि कितनी क्या पोस्ट है, क्या प्रेफरेंस रहेंगे आपके और कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, कैसा हमारा पैटर्न होगा और कैसी आपकी अप्रोच रहेगी अटेम्प्ट करने की। क्योंकि देखिए हमारे पास एक अच्छी बेहतर हमारी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। क्योंकि वैकेंसी हमारे पास वैसे भी ऑलरेडी कम ही आती है। इस टाइप की वैकेंसी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है, बाद में फिर वो कहते हैं कि सर ये कब आ गया फॉर्म, हमें तो पता ही नहीं चला। इसीलिए मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा DRDO है अच्छा है और पोस्टें भी इसमें अच्छी हैं। तो इसी में आपको बताऊँगा कि क्या कैसा होगा, कैसे आपको कैसे आप प्रिपेयर करेंगे इसके लिए। देखिए जैसे कि 21 से इसका नोटिफिकेशन आया है और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर, ठीक है। तो 21 से स्टार्ट हुआ है और 15 तक है, तो आप देख लीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए। और इसकी जो ज़्यादा इसका वो भी नहीं है, 100 रुपीज़ है जनरल हो जाए OBC किसी के लिए भी, तो आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। और टोटल जो हमारी इसकी पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें हमारे पास 224, ठीक है, 224 हमारे पास पोस्ट है। और जो एज लिमिट है इसकी वो है 18 to 27, मतलब काफ़ी है, पर्याप्त है हमारे लिए। तो आप ये हमारे लिए अच्छा है कि एज लिमिट भी ठीक है। तो इसकी जो पोस्ट की बात करें तो हमारा जो स्टेनोग्राफर इसमें दिया गया है उसमें क्या है कि इंग्लिश टाइपिंग मांगी हुई है, ठीक है। और जो हमारी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है मांगा है 10+2 इंटरमीडिएट लेवल का है। और डिक्टेशन जो है इसमें 18 words per minute है और स्पीड हमारी 10 मिनट, ठीक है। और अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें 50 मिनट में है और इंग्लिश की है, कंप्यूटर पर कराई जाएगी। और अगर यहीं पर अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव का है असिस्टेंट ए लेवल का, और उसमें इंग्लिश टाइपिंग इसमें भी है और ये भी हमारे एलिजिबिलिटी है इसकी 10+2 लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल की है। और इसमें किसी भी बोर्ड से भर सकते हैं। और इसमें जो कंप्यूटर टाइपिंग है ये हमारी है 35 words per minute, मतलब ऑब्वियस सबकी 35 तो सभी की होती है। ये हमारे लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है असिस्टेंट ए है, इंग्लिश टाइपिंग मांगी है और इंग्लिश टाइपिंग सभी को आती भी है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये 33 पोस्ट भी है इसमें, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी टाइपिंग है, जिसमें जो पोस्ट हमारा जो 0402 कोड वाला है इसमें हमारा हिंदी टाइपिंग मांगी है, लेकिन हालांकि इसमें पोस्ट कम है फिर भी आप डाल सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है वो स्टोर असिस्टेंट का है, जिसमें भी पोस्टें 21 है और ये भी 10+2 लेवल का, मतलब जो हमारा फॉर्म है 10+2 लेवल इंटरमीडिएट का है। तो आप देखेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे वो कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसको फिल करेंगे क्योंकि 10+2 लेवल का मांगा हुआ है इन्होंने। और इसमें भी जो इंग्लिश मांगी है उसमें 35 words per minute, तो बहुत ज़्यादा नहीं मांगी है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके सिलेबस की, ठीक है। इसका जो सिलेबस आएगा वो अगर CBT 1 होगा हमारा, CBT 1 वाला जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा हमारा, और उसमें जो हमारे दो सेक्शन होंगे, एक तो हमारा होगा सेक्शन ए और एक होगा हमारा सेक्शन बी। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, उसी के बारे में बात करेंगे हम, क्या क्या आने वाला है एग्जाम में। देखिए जो पहला हमारा होगा उसमें आएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगी, हमारी मैथ्स आएगी, ठीक है। दूसरा जो हमारा होगा जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आएगी, और जो तीसरा आने वाला है वो आएगा हमारा GA मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद हमारी जनरल इंग्लिश आएगी, उसके बाद जनरल साइंस GS, जनरल से क्वेश्चन होंगे साइंस के। तो हमारा सेक्शन में क्या पूछेगा, हमारी मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी, उसके बाद हमारा GA आएगी और जनरल इंग्लिश, फिर उसके बाद जनरल साइंस। तो मतलब हमारा 5 पार्ट में इसका क्वांटिटी जो हमारा सेक्शन ए का होगा पेपर 5 पार्ट में होगा। और सेक्शन ए और सेक्शन बी जो हमारा सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी है कुल मिलाकर हमारा कितना होगा 150 हमारे मार्क्स का पेपर होगा।
और जो इसमें सेक्शन बी है उसमें हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, जो हमारा सेक्शन बी है उसमें हमारे 100 आएंगे और इसमें अप्रॉक्स 50 आएंगे, ठीक है। तो मतलब कितने आएंगे, 150 मार्क्स का होगा, तो 150 क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। और जो इसका सेकंड वाला है, सेक्शन बी का है, स्पेसिफिक ट्रेड टू डिसिप्लिन टू पोस्ट कोड है, तो मतलब ट्रेड वाइज होगा, जो आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे वही आपका एग्जाम होगा। तो वही सब आप जो प्रिपेयर करते आए हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पॉलिटी एप्टीट्यूड हो, जनरल्स आए, अरिजनिंग हो, जीए हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, वही सारा है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, जो आप प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए वही सारा पूछा है। तो ये अच्छा हमारे पास मौका है, आप इसको भर दीजिए और प्रिपेयर अभी से प्रिपेरेशन उसकी स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये DRDO के रिगार्डिंग कुछ जो जानकारी आपको देनी थी, इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि फॉर्म कब आया, आपको चला गया, तो आप इसको फिल कर दीजिए और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, देखते रहिए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल एग्जाम स्टडी, तब तक के लिए थैंक यू।